हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। आज आज है करवा चौथ और मेरा जो है फेशियल हो रहा है इस टाइम पे। एक्चुअली आप सभी को पता होगा कि मैं काफ़ी बिजी थी, तो मैं आज के दिन ही, करवा चौथ वाले दिन ही सारे काम निपटाऊंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ना मेहंदी लगाने का, ना फेशियल जाने का, ना पार्लर जाने का, कहीं भी टाइम नहीं मिला। तो मैं आज ही कर रही हूँ ये सारे काम। तो इसमें पांच स्टेप है, मैंने आपको ये पहले इससे पहले वीडियो में भी दिखाया था VLCC की, ये जो फेशियल किट है इसमें फाइव स्टेप्स हैं। तो मैं फर्स्ट तो हमारा क्लिंजर था जो मैं ऑलरेडी कर लिया था, बिल्कुल मुंह साफ कर लिया था उससे अच्छे से। अब ये सेकंड स्टेप है जो स्क्रबिंग है, स्क्रब बिल्कुल जेल और जेली बेस्ड पे था, तो बस उसको मसाज करके उसे 5 to 8 मिनट्स तक स्क्रब करना था और फिर वॉश आउट करना था नॉर्मल टैप वाटर से। तो बस मैं वही कर रही हूँ। अब मैंने स्क्रब तो मतलब धो लिया है और टॉवल ड्राई भी कर लिया है साथ ही साथ। तो अब उसके बाद मैं अपना थर्ड स्टेप लगाऊंगी, तो जो है हमारा स्किन वाइटनिंग फेशियल मसाज जेल है, जिसमें एलोवेरा एंड पल्स ऑक्सीडाइड है। और बस इसी इससे ही हमें जेंटली मसाज करनी है, और हमें इसे मतलब ऐसे मसाज करनी है कि ये हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। मतलब इसे हमें धोना नहीं है, इसे हमें ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें मसाज करनी है और अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करना है। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम फोर्थ स्टेप के आगे बढ़ेंगे। अब हम फोर्थ स्टेप है, क्योंकि ये मेरे स्किन में अब्जॉर्ब हो गया है अच्छे से, तो अब हम फोर्थ स्टेप को करेंगे, तो जो कि है हमारा क्रीम है, फेशियल क्रीम है, और ये वीट क्राम है इसमें, और इसे हमें मसाज करना है जेंटली और 8 to 10 मिनट्स करना है इसे मसाज, और फिर कॉटन से या किसी भी चीज़ से इसे वाइप कर देना है, मतलब इसे धोना नहीं है। और हमें इस तरीके से मसाज करना है, और इसे नेक एरिया बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे आपने स्क्रब किया हो, फेशियल क्रीम से कर रहे हो, जेल हो, कुछ भी हो, सारे स्टेप में आपको नेक तक कवर करना ही करना है, और बिल्कुल जेंटल तरीके से करना है, क्योंकि फेशियल में आप जो सभी जानते होंगे, जैसे मेन स्क्रब होता है हमारी डेड स्किन को निकालने के लिए, वैसे ही हमारा ये क्रीम भी होता है। तो अब मैंने अपना क्रीम वाला भी पोर्शन ख़त्म कर लिया है, फोर्थ स्टेप मैंने ख़त्म कर लिया है, और मैंने इसे भी वाइप कर दिया है। अब जो है हम अपना फिफ्थ स्टेप लगाया है मैंने, जो है हमारा पैक, जिसमें है टर्मेरिक एंड ग्रेप्स्ड शीट्स। और भाई क्या तो ये पैक था, बाप रे, मतलब मेरे लगाने के बाद तो मतलब हद हो गई, मतलब इतनी जलन आप देख रहे होंगे। मतलब मैं यूँ सोची थी यार कुछ गलत तो नहीं हो गया, मैं मतलब बार बार है ना उसको भी, पैक को भी देख रही थी, मतलब इतनी जलन जैसे हिमालय के स्क्रब्स पैक वगैरह में होती है इस तरह की। आई थिंक इसमें टर्मेरिक है, तो शायद इस वजह से, क्योंकि हमारे जो फेशियल पोर्स जो हमारे करने के बाद जो पोर्स खुल जाते हैं, मतलब सच में यार आंखों से मेरे पानी आ गया था, इतनी जलन हो गई थी एक मिनट के लिए, पर ये ज़्यादा देर नहीं रही, मुश्किल कुछ ही सेकेंड्स में ये नॉर्मल हो गया। तो पर मुझे सच में मतलब एकदम ऐसा लगा कि हुआ क्या, अब ठीक था, तो मैंने ये नेक तक लगा लिया है। और जब ये पैक सूख जाए तो हमें ये कम से कम वैसे 10 मिनट रखना है, और सूखने के बाद इसे वॉश आउट कर देना है, और फिर हल्की सी कोई भी कोल्ड क्रीम लगा लेनी है, ठीक है। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, सभी को हैप्पी करवा चौथ, और जिनों का भी व्रत है, कैसे हैं आप लोग सभी। तो अभी मैं बस बेटी को लेने जा रही हूँ स्कूल से, मैंने फेशियल किया था और काफ़ी अच्छा ग्लो आया है। अभी मैंने जस्ट ओनली कोल्ड क्रीम लगाई है, पर फेस पे काफ़ी शाइन दिख रही है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप सोच रहे होंगे ये दुपट्टा क्यों, क्योंकि अभी मैंने फेशियल किया था तो हमें सनलाइट में नहीं जाना, पर मुझे जाना पड़ेगा तो मैं फेस कवर करके जाऊंगी। तो अभी मैंने ये ऑरेंज वाला कुर्ता पहना है जो मैंने अपने बेटे के बर्थडे पे पहना था, मैंने बताया था आप लोगों को, तो बस फिर चलते हैं। मैंने अभी बैंगल्स ये वाले पहने, खाली हाथ अच्छे नहीं लगते, इसलिए देखिए ये बैंगल्स पहने, चूड़ियां पहनी है, और फिर आके रेडी होते हैं,
तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, तो मैं बेटी को ले आती हूँ, बेटी को ले आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ और क्या क्या किया। चलिए, हेलो, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं अभी कहानी सुनने जा रहे हैं। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी, मैंने आपको दिखाया था, और मैंने रिंग्स पहने हैं ये वाले, या आज मैंने अपना लिए मंगलसूत्र भी पहना है, कैसा लग रहा है बताना। और बस सिंपल सा मैंने यहाँ से देखिए जुड़ा किया है, आपको दिख रहा हो तो, और सिंपल रखा है बिल्कुल। अब की बार मैंने अपने आप को बिल्कुल सिंपल रखा है, मैंने कहा था ना कि अब की बार बस सिंपल रखने का मन है, तो सिंपल ही रख रही हूँ अपने आप को, ज्यादा तामझाम नहीं किया मैंने अब की बार, और मुझे अच्छा भी लग रहा है। और ये वाले बैंगल्स और पेयर चूड़ियां कर ली हैं, तो चलिए फिर मैं कहानी सुनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं अपनी साड़ी अगर आपको दिखा देती हूँ, मिकी अपने नीचे आंटी के यहाँ पे कहानी सुनी है, तो हम कहानी सुन चुके हैं, बस पैर वैर छू रहे थे और बस अब हम चल रहे हैं ऊपर। तो मैं कहानी सुन के आ गई हूँ ऊपर, तो यहाँ पे पता नहीं कि मेरी आवाज़ बहुत ही कम हो गई थी, तो मैं जब एडिटिंग कर रही थी, तो बस ये मैंने गले में ये भी पेयर किया था, तो आपको मुझे दिखाना था। उस टाइम पे मैंने पेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा साउथ इंडियन लुक चाहिए था, तो फिर मैंने उसके साथ ये पेयर किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके साथ में, झुमकियों के साथ में काफ़ी अच्छा मैच भी आ रहा था। तो आप बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको मेरा ये सिंपल सा एंड स्टनिंग सा लुक, तो मुझे तो काफ़ी बेटर लगा आज अब की बार, नहीं तो मैं हर बार इतना हैवी पहनती हूँ फिर भी अंदर से वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था जो मेरे को अब की बार आ था। और ये ब्लाउज मैंने ही स्टिच किया है और इस ब्लाउज के लिए मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, और अगर आपको ये इसकी स्टिचिंग वगैरह देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं रात की पूजा कर रही हूँ, जो कि मैंने जो खाना बनाया था उसका भोग लगाऊंगी। खाना मैंने बनाया था ये पूरी, आलू मटर की सब्जी और खीर, और साथ में मिठाई रखी थी मैंने। तो ये जो रिकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेट फोन लेके की है, तो इस वजह से इस तरीके से दिख रही हैं, तो सॉरी माइंड मत करना। तो चलिए हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, हमारे में इसी तरीके से करते हैं, और बहुत कुछ मुझे नहीं आता, तो मुझे जो याद आता है मैं बस वो कर लेती हूँ, और माता रानी सब देखती हैं, सब मन कहते हैं ना पूजा के टाइम पे सिर्फ मन सच्चा होना चाहिए, कैसे की जाती है ये जरूरी नहीं होता। तो ये कुछ उल्टा उल्टा दिख रहा है, ये उल्टा उल्टा दिख रहा है पता नहीं क्यों, क्योंकि अगर मैं दूसरे पोर्शन में लेती हूँ तो फिर फोटो बहुत ज़्यादा उल्टी हो जा रही है। तो चलिए फिर आप देखिए, मैं अभी ने भोग लगाऊंगी जो भी मैंने खाना बनाया है, और फिर हम ऊपर, अपने चंदा निकल चुका है, बच्चों ने खाना खा लिया है, मैंने इन सबको खिला दिया था खाना पहले ही, भगवान का निकालने के बाद इन सबको दे दिया था क्योंकि भूख हो रही थी। तो अब इसी तरीके से बस मैंने पैसे रख दिए हैं कुछ, अब सासू माँ तो दिल्ली में है, तो मैं नीचे ब्याना निकाल के नीचे दे के आती हूँ आंटी को, तो इसीलिए तो उनके लिए भी मैंने निकाल दिया था। तो चलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसीलिए हम इस वीडियो का एंड हम यहीं पे करते हैं, और मैं अपनी करवा चौथ की कुछ पिक्स और कुछ मेमोरीज आपके साथ जरूर शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चाहते हैं वो सब देखना तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना सॉरी, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, सब में कर देना प्लीज़ गाइस।